लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान हो चुका है। यूपी की 10 सीटों पर बड़े बड़े प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। चर्चा वोटिंग परसेंटेज को लेकर चल रही थी। इसी बीच मायावती के एक फैसले ने यूपी की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल बीते दिनों मायावती ने अपने भतीजे को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन मंगलवार को अचानक से मायावती ने उन्हें अपरिपक्व कहते हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर और पार्टी के उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया। वहीं इसके बाद बसपा आकाश आनंद और मायावती पर जमकर बयानबाजी हो रही है। इसी कड़ी में अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और यूपी की पूर्व सीएम मायावती के फैसले पर टिप्पणी करते हुए अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। अखिलेश यादव एक्स पर लिखते हुए कहते हैं, बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय। दरअसल इसके पीछे असली कारण ये है कि बसपा की एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही थी, क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इस बात को बसपा अपने संगठन की विफलता के रूप में ले रही है, इसीलिए उनका शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेरबदल कर रहा है। लेकिन अब बाजी बसपा के हाथ से निकल चुकी है। सपा प्रमुख आगे कहते हैं, सच तो ये है कि जब बसपा का प्रभाव क्षेत्र होते हुए भी पिछले 3 चरणों में उनकी एक भी सीट नहीं आ रही है, तो फिर बाकी के 4 चरणों में तो कोई संभावना बचती ही नहीं। ऐसे में हम सभी वोटरों से अपील करते हैं कि आप अपना वोट खराब ना करें और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए सामने से लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के उन प्रत्याशियों को वोट देकर जिताएं और संविधान के संग आरक्षण भी बचाएं। यूपी के पूर्व सीएम ने लिखा कि इसलिए आग्रह है कि संविधान आरक्षण और अपना मान सम्मान बचाना है तो अपना वोट सपा को दें या जहां इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हो वहां डालकर संविधान और आरक्षण विरोधी भाजपा को हराएं। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की नई पीढ़ी के तौर पर पार्टी में अहम पदों पर काबिज किए गए आकाश आनंद महज 5 महीने ही नेशनल कोऑर्डिनेटर रह पाए। आकाश को बीते वर्ष दिसंबर में लखनऊ में हुए पदाधिकारियों के सम्मेलन में मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बता दें कि आकाश आनंद ने सीतापुर में जनसभा के दौरान भाजपा नेताओं की तुलना आतंकवादी से कर दी थी, साथ ही उन्हें जूते से मारने की बात भी कही थी। आकाश आनंद के इस भड़काऊ भाषण के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पार्टी के 3 प्रत्याशियों को भी नामजद किया गया था। इसी के बाद आकाश आनंद की रैलियों पर रोक भी लगा दी गई थी। वहीं अब मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से निष्कासित कर दिया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।